पठानकोट हमले पर सख्त केंद्र सरकार, सूत्रों के मुताबिक 15 जनवरी तक कार्रवाई नहीं हुई तो टल सकती है विदेश सचिव स्तर की होने वाली बातचीत। पठानकोट हमले के आतंकियों को पाकिस्तान के लालपुर या चकलाला एयरबेस पर हमले की ट्रेनिंग मिलने की आशंका, सूत्रों के हवाले से खबर। आतंकियों को पठानकोट एयरबेस पर हमले के लिए मिला था प्रशिक्षण, एयरबेस के विमानों आयुध की भी थी जानकारी, सूत्रों के मुताबिक विमानों और मिसाइलों जैसी सामरिक चीजों को दो दिन पहले ही हटाया गया, आतंकियों को जिंदा पकड़ने की कोशिश में लगा वक्त। सभी आतंकवादियों के मारे जाने के बावजूद एयरबेस पर हुए 29 धमाके, सूत्रों के मुताबिक एयरबेस पर हमले का नहीं था खास इनपुट। एनआईए की टीम एसपी सलविंदर को लेकर गुरदासपुर के मजार पहुंची, इसी मजार से लौटते वक्त एसपी को कथित रूप से आतंकियों ने किया था अगवा। एसपी सलविंदर के अलावा रसोईये मदन गोपाल भी एनआईए टीम के साथ, संदेह के बाद जांच एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। एनआईए की दूसरी टीम अकलगढ़ पहुंची, यहीं एसपी के दोस्त राजेश वर्मा को आतंकियों ने फेंका था। राजेश वर्मा का खुलासा, आतंकियों ने हैंडलर से बात करने के बाद कहा था हम तुम्हें मारकर अफजल गुरु की मौत का बदला लेना है। राजेश वर्मा की माने तो मजार का सेवक और एसपी के कुक दोनों रिश्तेदार और मैं पहली बार मजार पर गया था। पठानकोट के बमियाल गांव में दो जोड़ी फुटप्रिंट मिले, ये फुटप्रिंट आतंकियों के हो सकते हैं, एक पूर्व फौजी ने देखे निशान, पुलिस को दी सूचना। पंजाब पुलिस ने ली फुटप्रिंट की छाप, आतंकियों के बूट और जूते से होगा फुटप्रिंट का मिलाप, एनआईए ने से साझा किया जाएगा साक्ष्य। पठानकोट हमले पर पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने पीएम मोदी से फोन पर की बातचीत, जांच में मदद कर दिया भरोसा। पठानकोट हमले को लेकर अमेरिका ने भी पाकिस्तान पर बनाया दबाव, कहा उम्मीद है एयरबेस को निशाना बनाने वाले आतंकियों और आतंकी समूह पर पाकिस्तान करेगा कार्रवाई। बीएसएफ ने गुरदासपुर बॉर्डर पर अतिरिक्त टीम बुलाई, तकनीकी विशेषज्ञों की टीम जुटी, घुसपैठ के मद्देनजर किया गया फैसला। बीएसएफ के डीजी ने गुरदासपुर बॉर्डर का किया दौरा, बीएसएफ के सभी कमांडेंट के साथ की बैठक। पठानकोट हमले पर आतंकियों पर घुसपैठ के लिए ड्रग तस्करों की मदद लेने का शक, अंग्रेजी अखबार द मेल टुडे के हवाले से खबर। शक है आतंकवादी और उनके हथियार एक साथ न लाए गए हों, ड्रग्स की खेप के साथ हथियार भेजे गए होंगे, फिर उसी रास्ते से आए होंगे आतंकी। पंजाब पुलिस के डीजीपी भी पहुंचे पठानकोट एयरबेस, पंजाब पुलिस भी मामले की जांच कर चुकी। त्रिपुरा के डीजीपी के नागराज का दावा, बांग्लादेश में है कुल 17 आतंकी कैंप, इनमें से एक कैंप ढाका में भी। हाल ही में त्रिपुरा के सीएम ने भी बांग्लादेश में आतंकी कैंप का किया था दावा, कहा शेख हसीना सरकार के आतंकियों के खिलाफ सक्रियता के बावजूद जारी है कैंप। आज दिल्ली में लॉन्च होगी बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश, बीजेपी के वरिष्ठ नेता आडवाणी करेंगे विमोचन, सीएम नीतीश के आने की भी उम्मीद। आज फिर से खास बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा ने आडवाणी की जमकर की तारीफ, कहा आडवाणी महान प्रधानमंत्री होते। लाल कृष्ण आडवाणी सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि एक स्टेट्समैन है, लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री का किसी भी पद के लिए उनसे बेहतरीन उम्मीदवार कोई नहीं हो सकता। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा बिहार में जितनी सीटें मिली वो पीएम मोदी की मेहनत का नतीजा, हमने अपने पीएम को खुद फेल कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा अगर पार्टी को आडवाणी, यशवंत सिन्हा और मुरली मनोहर जोशी का मार्गदर्शन मिले तो पार्टी और सरकार दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों में ईडब्ल्यूएस के अलावा सभी कोटे खत्म करने का किया ऐलान, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। दिल्ली में आज इवन नंबर की गाड़ियों का दिन, दो हफ्ते के ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा सरकार को क्यों चाहिए फॉर्मूले के लिए 15 दिन। दिल्ली सरकार ने कहा 8 जनवरी को कोर्ट को देंगे पूरी जानकारी, आंकड़ों के साथ रखेंगे अपनी बात। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर नहीं करेगा सुनवाई, एनजीटी ने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है तो वो इसे नहीं छुएगा। विसल ब्लोअर एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से पूछा बताएं किस समय सीमा तक वो संसद में पास कर पाएगी कानून। फिर गर्मा, एमसीडी कर्मचारियों के रुके हुए वेतन और स्थायी नौकरी का मुद्दा, एमसीडी कर्मचारियों का सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन, प्रदर्शन में सफाई कर्मी, नर्स, शिक्षक और तमाम सरकारी कर्मचारी शामिल, सीएम आवास पर धरने के दौरान एक दिन का उपवास भी। सुप्रीम कोर्ट ने आज उपहार कांड से जुड़ी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं पर 30-30 करोड़ का लगाया था जुर्माना, उपहार कांड के पीड़ित और सीबीआई की दलील लापरवाही के लिए अंसल बंधुओं को जुर्माने के साथ सजा भी दी जाए। वित्त मंत्री अरुण जेटली की ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक आज, बजट से संबंधित सुझाव पर बातचीत।
दिल्ली के रोहिणी में एक बदमाश को पकड़ने गए पुलिस कांस्टेबल की गोली लगने से मौत। स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट में तैनात था जवान, बदमाश को किया गया गिरफ्तार। मृतक जवान का नाम आनंद खत्री, साउथ वेस्ट सेल में था तैनात, 2 महीने पहले हुई थी पोस्टिंग। दिल्ली से भोपाल जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट का टायर फटा, विमान में सवार थे 95 यात्री, सभी यात्री सुरक्षित। कोलकाता में बच्चों को राष्ट्रगान सिखाने पर मदरसे के शिक्षक की पिटाई, कट्टरपंथियों पर पिटाई का आरोप। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस ने 2 नक्सलियों को मार गिराया, 1 नक्सली को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार भी किया, नक्सलियों से हथियार भी जब्त किए गए। फरवरी के आखिरी हफ्ते में जेल से बाहर आ सकते हैं संजय दत्त, आर्म्स एक्ट में हुई थी सजा, 116 दिन की राहत संजय दत्त को मिली है, पर लोकेज में भी संजय दत्त को मिली क्लीन चिट। सरकार ने काले धन के तौर पर वसूले 2,428 करोड़ रुपए, 31 दिसंबर तक की गई वसूली। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर की दीवार बनाने को लेकर लोगों ने किया हंगामा, पुलिस को किया गया तैनात। मुंबई में भी ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने की उठी मांग, शिवसेना विधायक ने फडणवीस सरकार के परिवहन मंत्री को लिखा पत्र। मुंबई में अवैध बैनर होर्डिंग पर बीएमसी ने शुरू की कार्रवाई, 1400 संस्थाओं और राजनीतिक दलों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। मुंबई में अब ट्विटर पर भी शिकायत से दर्ज होगी एफआईआर, ट्विटर टैग से मुंबई पुलिस ने अब तक 3 मुकदमे किए दर्ज। मौसम विभाग के मुताबिक कल से फिर करवट बदलेगा मौसम, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बर्फबारी का अनुमान। 7 जनवरी से 9 जनवरी तक जबरदस्त बर्फबारी का अनुमान, कहीं कहीं पर भी बारिश की भी संभावना। कोयंबटूर में जालीकट्टू महोत्सव को लेकर छिड़ा घमासान, बुल फाइटिंग पर प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन। जौनपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त होने पर हंगामा, बर्फान, नगर निगम ने रातों रात टूटे धार्मिक स्थल का कराया निर्माण। नगर निगम के मुताबिक अनजाने में जेसीबी की चपेट में आने से हुई थी क्षति, जानबूझकर धार्मिक स्थल पर नहीं की गई कार्रवाई। नोएडा एक्सटेंशन में एक ही दिन में एक सोसाइटी के 18 फ्लैटों में चोरी, चोरों ने कैश और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। चोरी पर सोसाइटी के लोगों ने किया प्रदर्शन, असुरक्षा को उठाया मुद्दा। राजस्थान के प्रतापगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत में 2 की मौत, परिवार में मातम। पंजाब के तरन तारण में 30 करोड़ की हीरोइन बरामद, पाक तस्करों से मुठभेड़ के बाद बीएसएफ को मिली कामयाबी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गल्ला व्यापारी से ठगी की वारदात, 1.25 लाख रुपए से भरे बैग लेकर भागे अपराधी। पीलीभीत में महिला के अपहरण और दुराचार के मामले में कार्रवाई, दरोगा सस्पेंड, जांच के लिए कई टीमें गठित। राजस्थान के झालावाड़ में संदिग्ध हालत में बुजुर्ग की मौत, घर वालों ने गांव के 6 लोगों पर हत्या का दर्ज किया केस। यूपी के मथुरा में सैकड़ों युवकों के से नौकरी के नाम पर ठगी, एक एनजीओ पर लगा आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस। पठानकोट हमले के बाद यूपी में इलाहाबाद में भी हाई अलर्ट, माघ मेले में सुरक्षा का कड़े इंतजाम। यूपी के महोबा में स्कूल जा रही छात्राओं से छेड़खानी पर मंचलों की भीड़ ने की जमकर पिटाई, पुलिस ने दर्ज किया केस। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीजेपी नेता और पुलिस में झड़प, बीजेपी विधायक समेत कई नेता हिरासत में लिए गए। उत्तराखंड में पंचाचूली ग्लेशियर 8 मीटर तक टूटा, 22,642 मीटर ऊंचा ग्लेशियर, मंदाकिनी नदी में बढ़ सकता है जलस्तर। यूपी के फतेहपुर जिले में बदमाशों ने एक दंपति को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला, अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के गोंडा में एक कोचिंग सेंटर में बदमाशों ने 2 कर्मचारियों को बुरी तरह पीटा, सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मैनपुरी में एक नशेड़ी युवक को महिला ने जमकर धुना, परेशान करने पर पिटाई करते कोतवाली लाई। शराबी युवक को गुस्से में महिला ने पुलिस के सामने भी जमकर पीटा। कानपुर में 2 बेटों ने अपनी मां और उसके प्रेमी की हत्या की, गिरफ्तारी पर पुलिस को दिया बयान, नहीं हत्या का मलाल। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में परीक्षा फॉर्म नहीं भरे जाने से छात्रों ने किया हंगामा, कुलपति से मिलने पर अड़े छात्रों को सुरक्षा बलों ने पीटा। बिहार के समस्तीपुर में छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल, छात्र के मुताबिक डर के मारे नहीं दर्ज कराई थी शिकायत। सीतामढ़ी की रुन्नी सैदपुर पुलिस पर आरोप, पुलिस हिरासत में की एक शख्स की पिटाई, नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती। पटना में महिला एसपी को गलत एसएमएस भेजने पर एक इंस्पेक्टर सस्पेंड, मैसेज में लिखा था मैडम नया साल मुबारक हो, आप जिंदगी में कभी सुखी ना रहे। आरोपी इंस्पेक्टर की सफाई, कहा पत्नी को भेज रहा था ये मैसेज, गलती से एसपी को गया। गाजियाबाद से पटना गए 21 साल के युवक का अपहरण, अपहरणकर्ताओं ने कुरियर से भेजा अपहरण का वीडियो, मांगे 30 लाख रुपए, बिहार से 3 लोगों की गिरफ्तारी। लखीमपुर खीरी में ज्वेलर्स की दुकान से चोरी, चोरों ने किए 2 लाख के गहनों पर हाथ साफ, सीसीटीवी में वारदात कैद।
यूपी के बस्ती में आग से झुलसकर दो बच्चों की मौत, मोमबत्ती से लगी थी छप्पर में आग। यूपी के बस्ती में एक बच्चे के अपहरण के आरोप में पुलिस ने उसके पिता को गिरफ्तार किया, जमीन विवाद के सिलसिले में किया गया था अपहरण। यूपी के गाजीपुर जेल में कैदी चला रहे हैं सह शिक्षा कार्यक्रम, जेल प्रशासन की निगरानी में होती है कैदियों की पढ़ाई। राजस्थान के अलवर में एक गांव में दबंगों ने किया शमशान के रास्ते पर अतिक्रमण, 3 घंटे तक नहीं हो पाया दलित महिला का अंतिम संस्कार, प्रशासन ने खुलवाया रास्ता। अलवर के बहरोड में सड़क हादसे में प्रसिद्ध गायक श्रवण राठौर घायल, दिल्ली जयपुर हाईवे पर हुआ एक्सीडेंट। राजस्थान के भरतपुर में अनियंत्रित जीप डिवाइडर से टकराकर पलटी, हादसे में 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के सवाई माधोपुर में डीएम के सामने ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, स्थानीय महिला को ससुराल वालों से भरण पोषण के लिए भत्ता दिलाने की मांग। राजस्थान के अलवर में खुदाई के दौरान मिली 8वीं सदी की तोप, पीतल जैसी धातु से बनी तोप का वजन करीब 15.5 किलो। उत्तर कोरिया ने आज किया हाइड्रोजन बम का परीक्षण, उत्तर कोरिया ने की परीक्षण की पुष्टि। हाइड्रोजन बम के परीक्षण के बाद उत्तर कोरिया में आया 5.1 की तीव्रता का भूकंप, परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है हाइड्रोजन बम। उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम के परीक्षण को पूरी तरह बताया सफल। इस परीक्षण के बाद जापान ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा बताया, अमेरिका ने भी इस कदम को बताया भड़काऊ, कहा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। दक्षिण कोरिया ने हाइड्रोजन बम धमाके पर जताई कड़ी प्रतिक्रिया, कहा सहयोगियों उसके साथ मिलकर उत्तर कोरिया को सजा देने के लिए उठाएंगे सभी कदम। हथियारों के नियंत्रण पर स्पीच देते वक्त रो पड़े अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, ओबामा ने कहा बंदूक से होने वाली हिंसा के लिए जागरूक हो जनता। 3 साल पहले एक स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग में 20 बच्चों की हत्या का ओबामा ने किया जिक्र, इस दौरान बह निकले आंसू। लीबिया में आईएसआईएस के आतंकियों ने ऑयल पोर्ट पर किया हमला, लंबी दूरी के रॉकेट से साधा निशाना। सीरिया में बर्फीले तूफान का कहर, हर ओर बिछी सर्द सफेदी, -10 डिग्री का टॉर्चर। अमेरिका में भी जबरदस्त बर्फबारी, बर्फ से पटा हैम्पटन और वर्जीनिया कोस्ट।